अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रियल रिसर्च ऐप से ख़ुद विड्रॉ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हॉटबेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हॉटबेट का अकाउंट कैसे बनाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो तो, और इसके अलावा डायरेक्ट क्रोम के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पर क्लिक कर दोगे इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा आपने वेट करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा रोकना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख सको तो इसका ऐप भी आपने डाउनलोड करना है। कुछ ही MB का ऐप है, ये डाउनलोड कर ले अच्छा होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ईमेल लिखना है। यहाँ पे जैसे आप ईमेल लिख दोगे उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है, तो आपके ईमेल पे एक कोड चला जाएगा, वो कोड भी यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है, और इसके बाद भी पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पर आपने कोड लिखना है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा, और इसके अलावा स्क्रीन पर भी आपको कोड नज़र आ रहा है। ये कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद आपने ऐप को डाउनलोड करना है। तो मेरा ऐप जो है ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं यहाँ से अपना ऐप ओपन करता हूँ और यहाँ पर आते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड कर दें और उसमें अपना अकाउंट लॉग इन कर दें, इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन यहाँ पर जो अहम काम है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इससे विड्रॉ के लिए ऑप्शन पे क्लिक कर देगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों के पास ये एरर आएगा। ठीक है, यहाँ ये एरर आप लोगों के पास आएगा। ये एरर कैसे है, यहाँ पे अगर आप लोग देख सको तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर पर कोड आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपने जीमेल का कोड देना होगा। तो जैसे आप जीमेल का कोड दे दोगे उसके बाद ये वेरीफाइड हो गया। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपके पास इस तरह मसला आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पे जो है इस लिंक को आपने यहाँ से कॉपी करना है, और इसका जो ऐप है उसको आपने डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ पर आपको वो ऐप भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया है, ये देख सकते हो, ये ऐप आपने डाउनलोड करना है। और उसके बाद हम इसको करते हैं ओपन, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर ऊपर आपने अपना नाम लिखना है जो आपने रियल रिसर्च ऐप के अंदर लिखा था। और इसके अलावा जो गूगल ऑथेंटिकेटर जो ऐप है वहाँ पर ये किसी बंदे ने स्क्रीन शॉट भेजा है, मेरा ऑलरेडी हो गया है, तो आपने ये वाला जो है यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे आपने इसको करना है पेस्ट। जैसे आप इसको पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपके पास जो विड्रॉ का ऑप्शन है अवेलेबल हो जाएगा। जिस तरह मैंने विड्रॉ किया है वीडियो में, तो उसी तरह आप इसका विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ मोबाइल ओपन मोबाइल पर क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल पर कोड आएगा, तो आपने यहाँ से कोड वेरीफाई करना है। तो आपने यहाँ से कोड सेंड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके मोबाइल पर कोड आएगा, कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपने ऊपर अपना पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पर अगर आप ये दोनों चीज़ें वेरीफाइड कर दो तो आप यहां से विड्रॉ के लिए अवेलेबल हो जाओगे, तो आप उसके बाद यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास सर्वे नहीं आ रहा है, यहां पे लेवल 23 जो लिखा है इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपने फुल नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 KYC, इस पर एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने दोबारा एडिट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट है। तो यहाँ पर आपने जो एज करना है वो इस तरह करना है कि ये तकरीबन 75 हो जाए, और उसके बाद मेरा 24 पे आ रहा है। आप लोगों के पास नहीं आ रहे तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये होता है कि नहीं। यहाँ पर आपने उसमें एडिट में जाकर यहाँ सिंगल लिखना है, उसके बाद नेशनलिटी वगैरह लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो आपके पास सर्वे नहीं आएगी। आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है तो आपका जो है आपके पास 72 घंटे का टाइम आ जाएगा, उसके बाद जो है आपके पास सर्वे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके पास एक सर्वे भी नहीं आया तो इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उस बंदे ने मुझे मैसेज भी किए हैं, देख सकते हो कि जो है इसके पास भी सर्वे अब अवेलेबल हो चुके हैं। ये देख सकते हो इसके पास पहले सर्वे नहीं आ रहे थे, इसने 0 TNC किए थे, देख सकते हो। ठीक है, अब इसके पास जो है सर्वे अवेलेबल हो चुके हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो स्टार्ट भी लिखा है, लेकिन इसको अभी टाइम मिला है। इस टाइम के बाद इसके पास सर्वे आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट लाजमी करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। शुक्रिया।